हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ रट्टू टोता पर आपका वापस से। एक बार हम फिर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी तकनीकी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। एक बार देखिए क्या क्वेश्चन है। सीओपी ऑफ द हीट पंप इज ग्रेटर देन यूनिटी फ्रॉम द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर हमें पूछा गया है, क्या हमें प्रूव करना है कि जो सीओपी होगा हीट पंप का वो 1+ होगा सीओपी किसके, रेफ्रिजरेटर के। हमको क्या प्रूव कराने के लिए बोल रहा है, सीओपी ऑफ द हीट पंप शुड बी ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर, 1+, यूनिटी ग्रेटर होना चाहिए किससे, रेफ्रिजरेटर से। ये हमको इसने प्रूव करने के लिए किया है। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। हमको पता है कि एक रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, लो टेम्परेचर से हीट लेना और हाई टेम्परेचर पे भेजना। फॉर एग्जाम्पल, इज द लो टेम्परेचर, दिस इज द हाई टेम्परेचर। यहाँ से हीट ले रहा है सपोज डेट Q2 और कहाँ भेज रहा है, हायर टेम्परेचर पे। अब हमको पता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं फ्लो कर सकती विदाउट एक्सटर्नल वर्क, तो हमको यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, हमको यहाँ कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा W, बोलिए देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द सीओपी, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट शुड बी द रिवर्सिबल। रेफ्रिजरेटर जो काम करना चाहिए कैसा काम करना चाहिए, रिवर्सिबल काम करना चाहिए, ठीक है। जो प्रोसेस होगा इस काम को करने में वो कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द सीओपी, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फर्स्टली व्हाट इज द सीओपी, सीओपी इज व्हाट, इट इज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय द वर्क डन। हमारी डिजायर्ड क्या है, हमें क्या करना है। तो रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायर्ड क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना। कहाँ मेंटेन रखना, बिलो द एटमोसफेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो इस पर्टिकुलर स्पेस को कूल करना चाहते हैं तो इस टेम्परेचर को हमको बिलो द एटमोसफेयर मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से कुछ हीट अपन को क्या करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्लियर है बात। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करी, मतलब हमको यहाँ पर डिजायर टेम्परेचर कितना है हमारा TL, हमको TL मेंटेन रखना है। हम यहाँ से Q2 हीट क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क डन। What is our desired effect here? It is the Q2. Now, from low temperature से आपने high temperature पे heat भेजी है, तो आपको कुछ काम करना पड़ा। इसके लिए आपने क्या किया? कुछ W work किया। तो now, what is the COP? COP of the refrigerator? Q2. What is the W value here? From the conservation of energy, what is the incoming in the refrigerator? W plus Q2. And what is the outgoing? Q1, मतलब W plus Q2 equal to क्या होना चाहिए, Q1, it means W plus Q2, तो what is the W from here, Q1 minus Q2, ये कैसे आया, conservation of energy, incoming equal to outgoing, work is the also form of energy, Q is the also form of energy, total energy in equal to total energy out, तो what is the W value, Q1 minus Q2, but very important for the reversible cycle, फ्रॉम द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द क्यू हीट एंड टेम्परेचर, Q1 by Q2 इक्वल टू TL by TH, इट इज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर, इट इज गिवन बाय द लॉर्ड केल्विन। नाउ वी कैन पुट द here in the form of temperature, what is the COP? COP is what? 1 upon Q1 by Q2 minus 1, COP of the refrigerator. Now COP of the refrigerator is what? We can put in the form of temperature, what is the Q1 by Q2? TL by TH minus 1. Now after the solve it, what is the COP of the refrigerator in the form of temperature? In the form of temperature, it is a TL by TH. Now, very important thing is that there is a Q2. There is a not a Q1. There is a Q2. There is some mistake. There is a Q2. So now it is 1. It is the Q1 minus Q2. Q1 minus Q2 minus 1. What is the Q1 minus Q2? It is the TH. TL. Now after solving this, TL, TH minus TL. This is the COP of the refrigerator for the
रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर. सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर दिस वन पॉसिबल फॉर रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर द रिवर्सिबल. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द सीओपी ऑफ द हीट पंप. वॉट इज द सीओपी ऑफ द हीट पंप? इफ हीट पंप वर्क्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट टीएच एंड टीएल. नाउ हीट पंप का काम क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन अबोव द एटमोसफेयर. फॉर एग्जाम्पल विंटर्स है, बाहर का टेम्परेचर -10 degrees है, हमको क्या चाहिए ह्यूमन कंफर्ट के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, 20-25 degrees होना चाहिए. तो क्या करेगा हीट पंप, क्या करता है? बाहर से हीट लेता है एटमोसफेयर से और जहाँ पर अपना डिजायर्ड स्पेस है वहाँ पर हीट डालता है. तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ टी लोअर टेम्परेचर कितना है -25, यहाँ टी हायर कितना है मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 degrees. तो हमको यहाँ 20 डिग्री मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हीट फेंकनी पड़ेगी इसको. यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है इसकी जगह क्या आ जाएगा? हीट पंप आ जाएगा. इस हीट पंप को क्या करना पड़ेगा? हीट फेंकना पड़ेगा इसका टेम्परेचर हायर मेंटेन करने के लिए. तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? Q1. तो वॉट इज द Q1? डिजायर्ड इफेक्ट इज द Q1 Q2 माइनस वॉट इज द वर्क डन? Q1 माइनस Q2. नाउ COP ऑफ द हीट पंप 1/(1 - Q2)Q1 from the thermodynamics law is equal to 1 - T lower / T higher. तो COP is what? T higher - T lower. Now compare this. This is the heat pump COP. Now compare this with the refrigerator. Now what is the COP of the heat pump? It is the 1+COP of the refrigerator. You can conclude, put the value of COP of the heat pump, put the value of COP of the refrigerator here, this will be the equate. Clear? You can put TH minus TL equal to 1+TL TH minus TL. It is the equal. After the solving, it is the equal. We can say that the COP of the heat pump is greater one from the compared to the COP of the refrigerator. Thank you.